Hi guys, welcome back to Yama TV. So guys, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी कॉफ़ी। आज जो आप सामने देख रहे हैं ये वाली कॉफ़ी हम लोग बनाने वाले हैं और कुछ बहुत ही नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए विदाउट हम लोग इस वक्त ब्लेंडर के कॉफ़ी बना रहे हैं, यानी हम स्पून से पेंट के कॉफ़ी बनाने वाले हैं। ये कॉफ़ी जो है वो काफ़ी मज़े की होती है और आप सभी लोगों को जैसे कि पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में दूध वाली कॉफ़ी पी जाती है, तो ये दूध वाली कॉफ़ी है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से। बाकी आपको पता है फॉरेन कंट्रीज़ में जो है दूसरी टाइप की कॉफ़ी पी जाती हैं। ये बिल्कुल सिंपल मिल्क वाली कॉफ़ी है और ये बहुत आसान है बनाने में, आप कुछ देर में ही कॉफ़ी बना सकते हैं। इस कॉफ़ी के बहुत मतलब कम से इंग्रेडिएंट्स हैं, हर घर में मौजूद होते हैं, जो कि हैं दूध और हमारी कॉफ़ी और चीनी जो नेसेसरी है। ठीक है, ये जो है ये हमारे तीन स्टेप्स हैं और आपको इसको बनाने के लिए बहुत ईजी से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आपको चाहिए इस वक्त गर्म पानी, इसके साथ आपको चाहिए 2 चम्मच चीनी और 3 चम्मच कॉफ़ी चाहिए। अब आप उसको कॉफ़ी को उसमें डाल के मिक्स करेंगे और ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर बताऊंगी। तब तक मैं करती हूँ अपनी कॉफ़ी इंजॉय और आप लोग देखेंगे। तो गाइस, हर कॉफ़ी की तरह हमारी कॉफ़ी के भी बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हैं, यानी चीनी, ठीक है, और ये हमने जो नेस्कैफे की हमने ये कॉफ़ी यूज़ की है, क्लासिक कॉफ़ी, सादी कॉफ़ी, कोई इस पर स्पेशल वो नहीं है, और हमारा दूध सादा दूध, इसमें भी कोई हमारी खास बात नहीं, कुछ स्पेशल नहीं। अच्छा, अब हम इसके मेजरमेंट्स के लिए जो स्पून लेंगे वो ये वाला स्पून लेंगे, यानी हम चावलों वाला चम्मच लेंगे, हम इसके लिए टेबल स्पून लेंगे, टी स्पून नहीं लेंगे। डालेंगे हम इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो हमारी जाएगी ये चीनी, और इसके साथ साथ जाएगी हमारी 2 चम्मच हमारी कॉफ़ी। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं तो आप कॉफ़ी के मेजरमेंट उसके हिसाब से रख सकते हैं, अपने कप के हिसाब से। वैसे डलेगी तो इसके अंदर जो है वो कॉफ़ी, ये मेरे हिसाब से जो होती है नेस्कैफे की कॉफ़ी, ये नेस्ले की कॉफ़ी सबसे बेस्ट है। सो आपको जो बेस्ट लगती है, जो आपके पास अवेलेबल हुआ, वो वाली कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने वीडियो का स्टार्ट ऐसे लेंगे कि हम कॉफ़ी को सबसे पहले लेके और चीनी को लेके हम उसको फेंटेंगे, उसके बाद हम दूध लेंगे। दूध को हमने क्या करना है, सिंपल एक काम करना है कि दूध लेना है, हमें बॉयल करना है और बॉयल करके जो है ना वो इसको यूज़ करना है। अच्छा, कॉफ़ी के लिए हम जब उसको मिक्स कर रहे होंगे तो हमें गर्म पानी की ज़रूरत होगी, इस बात को हमने ज़रूर अपने ध्यान में रखना है। तो इस बगैर देर के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और एक पैन के अंदर मैं इस दूध को गर्म कर लेती हूँ और बाकी के स्टेप फिर आपको दिखाते हैं। तो ये दूध जो है वो हमने पोर कर दिया अंदर, ठीक है, ये 1 कप दूध, और ये दूध अब हम इसको जो है फ्लेम अप करेंगे और इससे हम बनाएं। तो कहीं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बबल्स आ गए हैं, तो बस हमारे लिए इतना बहुत है, इतना गर्म, ठीक है, काफ़ी हो गया। अब हम इसको जो है वापस निकाल लेंगे अपने जो है वो कप के अंदर। तो अब हम इसको वापस कप के अंदर निकालेंगे और बाकी जो हमारी कॉफ़ी जो हमने भी फेंटी है उसको निकाल के कप के अंदर डालेंगे और इसको जो है रेडी हो जाएगी हमारी जल्दी से गर्मा गर्म कॉफ़ी।
हमने जो हमारा दूध था वो इस कप में निकाल लिया है, इसकी काफ़ी जो है वो झाग की है, तो हमने इसको ऊपर से करके डाला ताकि इसके अंदर थोड़ी सी झाग बन जाए। जब आप दूध कॉफ़ी या जब भी तैयार कर रहे होते हैं उसको अगर आपने बेस्ट प्रेजेंटेशन है इसको फ्लफी फ्लफी बनाना है तो आप ज़रूर उसके अंदर जो है ना दूध को फेंटें, यानी दूध को ऊपर से नीचे से करें ताकि उसके अंदर जो है वो झाग ज़्यादा बने, उससे उसका टेस्ट भी मज़े का होता है, क्रीमी क्रीमी और फ्लफी भी ज़्यादा बनती है। इसके अलावा अगर आप जो है कॉफ़ी बीटर से बीट करेंगे तो उससे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसकी फ्लफीनेस आती है, लेकिन हमने स्पून से किया तो उसमें भी कोई मसला नहीं होता, आप घर में जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं आराम से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कॉफ़ी का ना हमने इतना उसको फेंटा है कि उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, इसके अंदर ये क्रीमी क्रीमी था जो है वो कलर हो गया, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया कॉफ़ी का, वो डार्क नहीं रहा। लेकिन गलती मेरे से ये हुई है कि जब हम कॉफ़ी बनाते हैं ना तो मैं नॉर्मली कॉफ़ी यानी ये वाला मिक्सचर जो है वो नीचे डालती होती हूँ और फिर ऊपर से दूध डालती होती हूँ। अब मेरे से गलती हुई कि मैं वीडियो बनाने की उसमें भूल गई और अब ये थोड़ा जो है ना वो एक ब्लेंडर टाइप हो गया, ब्लेंडर तो नहीं हुआ हमने, खैर इसको करना तो मिक्सर, लेकिन इसकी वो वाली शक्ल नहीं आएगी जो एक खूबसूरत सी शक्ल कॉफ़ी आनी चाहिए, और इसको मिक्स करने में ज़रा मसला होगा मुझे, लेकिन चलिए इसको मिक्स करते हैं। लेकिन आप इसकी क्रीमीनेस देख रहे हैं, देख रहे हैं कितनी हो अच्छा। कॉफ़ी मैंने तो एक स्पून डाली क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं करती, अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर एक से ज़्यादा कॉफ़ी डाल का स्पून डाल सकते हैं, या आपको जितना मर्जी चाहिए हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, बट ये मेरे लिए परफेक्ट है। ये देखिए चेक इट्स लुक, नॉर्मली मैं इससे जो है वो अपने नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो भी लिख लेती हूँ, क्योंकि ये जब अगर पतला कर ले आप थोड़ा सा तो आप आराम से लिख सकते हैं, या फिर आपके पास क्रीम हो जो क्रीम होती है उससे आप आराम से इसके अंदर अपने नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, जैसा कि अक्सर कॉफ़ी शॉप्स में जो है आपको लिखा हुआ मिलता है। सो गाइस ये हमारी जो है वो गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार होगी, जो कि मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी हो, क्योंकि यूमा टीवी पे ये फर्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट किया है हमने कि कुछ और कुकिंग की वीडियो आई, यानी तो रिलेटेड टू फैक्ट्स, या फिर आप हमारी लाइफस्टाइल इन यूएस देखते हैं, सो फर्स्ट टाइम कुछ और नया हुआ है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई फैक्ट्स की वीडियो के साथ।